Hello everyone, welcome to my channel. Okay, so today is my first day of shoot और आज मेरा मतलब I'm just waiting कि यहाँ पे actually parking के लिए हम दूसरी जगह पे गाड़ी park करते हैं and वहाँ पे हमारी गाड़ी आती, कोई उनकी गाड़ी आती, production की गाड़ी आती, फिर वो हमें proper set पे लेके जाएगी. So मैंने सोचा कि यहाँ पे आके मैं अपना वीडियो ही थोड़ा सा ब्लॉग बना लूँ कि yes आज मेरा पहला दिन है फाइनली शूट का एंड मैं आपको दिखाती रहूँगी बीच बीच में. मैं बहुत ज़्यादा तो कैप्चर नहीं कर पाऊँगी बट काफ़ी कुछ कैप्चर करती रहूँगी इन बिटवीन एंड मैं आपको बताऊँगी कैसे चल रहा है, अपने बारे में बताऊँगी, मेरे कैरेक्टर के बारे में बताऊँगी एंड बहुत सारी बातें करूँगी. सो स्टे विद मी. So yeah, this is also one of my look. Let's see, यार कौन सा final होता है. We are still trying. We are trying many different kind of looks on me. And so yeah. Okay, so yeah, मैं बहुत ज़्यादा क्या बोलूँ अभी. मैं जोनी को बहुत miss कर रही हूँ and obviously नितेश को भी. जब तक आप काम कर रहे होते हो like बोलते ना कंटिन्यू आप सीन्स कर रहे हो या कॉस्ट्यूम ट्राई कर रहे हो, आपका लुक टेस्ट हो रहा है, बाल बन रहे हैं, मतलब यू आर वेरी वेरी बिजी बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर बिजी बट देर आर टाइम्स वेन यू नो फ्री बिकॉज दे आर वेट. इस सीन में मैं नहीं हूँ एंड दे आर वेटिंग फॉर माई मेरे और भी कॉस्ट्यूम, कुछ ट्रायल मुझे करने हैं तो वो कॉस्ट्यूम आ रहा है. लाइक यू नो कितना टाइम लगेगा आई डोंट नो बट या इट इज़ ऑन द वे. तो अभी आई वॉज जस्ट सिटिंग तो यार मुझे इतनी याद आ रही है जोनी की स्पेशली. और सो ठीक है, ये थोड़ा सा सो चेंजेस है कि और ये भी है ना कि मैं बहुत ज़्यादा उसको वीडियो कॉल भी नहीं कर सकती बिकॉज आई डोंट वांट हिम टू गेट यूज. मुझे वो ज़्यादा, मैं उसको फ़ोन या स्क्रीन देती नहीं हूँ, स्क्रीन वगैरह, तो मुझे वो नहीं चाहिए कि वो वीडियो कॉल. और कभी हो सकता है वीडियो कॉल करूँगी तो वो देख कर वो इमोशनल ना हो जाए या एक होता है ना कि याद ना आ जाए क्योंकि मैनी टाइम्स व्हाट हैपन विद किड्स क्या होता है कि उनका माइंड बहुत जल्दी डाइवर्ट होता है. तो अभी राइट नाउ ही इज़ हैप्पी, ही इज़ प्लेइंग, नितेश इज़ देयर, माय हेल्पर इज़ देयर एंड तो बस इट्स लाइक दैट एंड सो यस एनीवेज ओके आई एम हैविंग माय ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर एंड हाँ सो थोड़ा सा अजीब लग रहा है बिकॉज वो होता है अजीब सा लगता है कि अरे यार क्या बोलूँ मैं इस बारे में. बट वी इट्स ओके, देयर इज़ नथिंग, मतलब ये बस अजीब सी फीलिंग होती है कि लाइक कुछ होता है यार अजीब सा, बस इतना ही बताऊँगी. सो मैं बस इतना बोलना चाहूँगी कि जब आप काम शुरू कर लेते हो अपना, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग एंड ऑल दैट एंड यू हैव अ बेबी, इट्स ओके सम इन द बिगनिंग देयर इज अ मदर गिल्ट इन द बिगनिंग, क्या वो हमेशा लगता है. व्हेनेवर इफ यू विल बी फ्री यू वांट टू लाइक यू नो व्हाट हैपेंड, लाइक पहले कैसे होता था जब मैं फ्री हूँ सो आई स्टार्ट मिसिंग, मैं नितेश को बहुत मिस करती हूँ लाइक जब मैं सेट पे हूँ अगर फ्री बैठी हूँ तो. बट वो भी चल जाता था कि चलो मिस किया, दैट इज़ लाइक ना हैप्पी वे. इस पर सकते कि यार what if he's missing me, you know, because he's so innocent, he's a kid, so theek hai and I should be happy and I am happy, okay, and I'm so lucky. I should say that ki Nitesh is there at home with Joni and my I have a house helper. un logo ka kya jinko properly sirf apne house helper ke bharose hi chhod ke jana padta hai, to socho unko kitna ajeeb lagta hoga. मुझे तो वो करने की नौबत ही नहीं आ रही. सो आई थिंक आई शुड बी हैप्पी अबाउट इट एंड आई शुड बी रिलैक्सिंग ऑन दैट कि चलो ठीक है नितेश इज़ देयर, व्हाट एल्स आई वांट लाइक यू नो कि और इनकेस नितेश इज आल्सो गोइंग आउट फॉर समथिंग, माय मॉम शी स्टेज नियर बाय, वो तुरंत आ जाएंगी. सो बस ठीक है एंड मेरे घर पर सब जगह लाइक आई हैव केप्ट सीसी एंड ऑल, सो दैट इज़ ओके, दैट इज़ एब्सोल्युटली फाइन. सो बस ये कि जब रात होने लगती है बिकॉज अभी तक रात को ये हैबिट रखी थी कि लाइक मतलब आई यूज़ टू फीड माई मिल्क यू नो उसको 9 बजे 9:30 और वो तभी सो जाता था. सो अभी ठीक है, वो वैसे भी हटाना ही था वो धीरे धीरे, तो जब भी हटाना होता है तब, जब हटाना भी होता है तब मुझे घर पे नहीं रहना है, तब भी मुझे घर से बाहर ही रहना है तभी वो हटेगा वो चीज़, क्योंकि अगर मैं सामने रहूँगी एंड इफ़ आई वांट कि मैं उसको गोद में रख के सुलाते हुए वो सो जाए, नहीं वो नहीं होगा. अगर वो मेरे गोद पे है तो ही विल वांट माय यू नो माय मिल्क.
सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग. ठीक है, सो आई एम नाउ शूटिंग एंड अभी तो 1-2 दिन उसको अजीब लगेगा, बट ठीक है, दैट इज़ ओके. एंड अभी मैं सिर्फ एक टाइम पे लाइक रात में या सुबह के 4-5 बजे वो बीच में अगर उठता है देन आई फीड हिम माई मिल्क. सो अभी वो एक टाइम मैं फिर भी कंटिन्यू करना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू कंटिन्यू बिकॉज ही ऑल्सो लाइक्स इट, सो आई ऑल्सो लाइक इट. तो हाँ, बस ये कि जब कभी मेरी कभी अगर हुई नाइट शिफ्ट लाइक 7 to 7 वाली शिफ्ट, तब वो चीज़ की मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी. एंड बट प्रॉब्लम वाली बात नहीं, बिकॉज ही ईट फूड, मतलब प्रॉपरली खाना वाना खा रहा है. सो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द हंगर ही वॉन्ट्स माई मिल्क, इट्स बिकॉज ऑफ द काम, लाइक उसको वो कामनेस चाहिए इसीलिए. सो दैट्स इट. सो आई थिंक दैट शुड बी मैनेजेबल. एंड ये रहा मेरा आज का पहले दिन का शूट. और भी कुछ कुछ मैं बस वेट कर रही हूँ अपने नेक्स्ट नेक्स्ट ट्रायल का, फिर नेक्स्ट सीन का. और दैट्स इट. सो कीप स्माइलिंग, कीप रॉकिंग. हाँ, ये भी था कि आज के दिन मैं अपने पापा को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी, क्योंकि लाइक माय डैड ही यूज़ टू गेट सुपर सुपर एक्साइटेड, लाइक जब मैं मतलब कोई भी शो मैं करूँ तो उनका मुझे बहुत बार 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 कॉल आ जाता था पापा का, बार बार, लाइक कि कैसा चल रहा है, स्टार्ट शुरू हुआ, अच्छा ओके, फिर क्या हुआ, लाइक बहुत इन्वॉल्वमेंट बहुत हो जाती थी. कितने बार उस वजह से मैं पापा से चिढ़ जाती थी, लाइक लिटरली झगड़ा कर लेती थी कि पापा क्या बार मुझे कॉल करो, ठीक है आपको बताऊँगी ना इन बिटवीन कुछ भी, मतलब तो रहता था. सो दैट आई रियली मिस, वो जिस तरह से जिस एक्साइटमेंट से मेरी हर एक चीज़. हाँ, आई एम श्योर, अगर जैसे होता है ना पापा को मैं अपने लुक, मैं अभी जैसे आप लोग से बात कर रही हूँ, मैं शायद वीडियो कॉल कर रही होती अपने पापा को, दिखा रही होती देखो पापा मैं कैसी लग रही हूँ. तो क्योंकि उनके अंदर का वो एक्साइटमेंट लेवल है, जिस तरह से वो मुझे प्रेज करते हैं. और करते थे, तो उस चीज़ का मज़ा ही अलग आता है, वो बहुत ही अच्छा लगता है. तो ठीक है, कोई नहीं, फ़र्क अभी आई एम श्योर अभी भी वो मुझे देख के स्माइल कर रहे होंगे, प्रेज़ कर रहे होंगे, बट ओनली डिफरेंस इज़ दैट कि वो मुझे अभी फिज़िकली सामने दिखते नहीं है मेरे पापा, बट ही इज़ देयर एंड ही विल बी ऑलवेज देयर विद मी एंड आई लव यू पापा. ओके, सो नाउ लेट मी हैव माई कॉफ़ी. जी, दिस इज़ ना, दिस इज़ माई ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर, जो कि मैं हर सेट, मतलब मैं शूट पे पीती ही पीती हूँ, मुझे बहुत पसंद है ब्लैक कॉफ़ी विदाउट शुगर. सो